बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा लेट जुड़ पाया। आज की जो हमारा फेसबुक लाइव आने का मकसद था, जिसमें हम बागवानी की बातें कर रहे थे, तो आजकल का मौसम बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो कुछ एक जगह से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, जिसके क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को भी मैं लूंगा। उससे पहले मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बता देता हूं कि आजकल फार्मर को क्या करना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि क्योंकि इस साल फसल बहुत कम है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि हम लोग मेहनत करें या ना करें तो कितनी करें। बागवान साथियों, अगर आपके बगीचे में सेब नहीं है इस साल, ये बहुत ही दुखदाई है कि सेब नहीं है। सेब हर फार्मर के होनी चाहिए, क्योंकि सब ने अपना परिवार पालना है और ये साल बहुत टफ होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे बस में तो है नहीं। मगर फिर भी मैं अपने ही बिहाव पर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेहनत कितनी जरूरी है। उसके बावजूद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल की आपने क्रॉप नहीं देखनी, अगली साल की भी क्रॉप देखनी है। आप लोग फिलहाल टॉनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर सकते हैं, अगर आपके फसल बिल्कुल ही नहीं है। आप गोबर या जो नेचुरल तरीके से आप करते हैं, आप ये कार्य अपने बगीचों में कर सकते हैं। मगर आपको दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना। एक, आपके बगीचों में माइट ना आए, क्योंकि उससे अगली साल की फसल पे भी फर्क पड़ता है। माइट को ना आने दे, उसके लिए उचित प्रबंधन कर दे, उस बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा होगा पतझड़, कि अपने बगीचों में मार्सोलिना ब्लॉच को खाता प्री पंचिया और लीफ फॉल को पत्तों को ना झड़ने दे, उसके लिए आपको टाइमली फंगेसाइड्स करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप थोड़ी हल्की फंगेसाइड करें, मगर आपको कंटिन्यू अपना शेड्यूल जो है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और बीमारी जो आजकल बड़ी फैलने वाली है अभी या फैलेगी, वो था वुली एप्पल एफिड। तो वुली एप्पल एफिड, माइट और अपने पत्ते, इन तीनों का प्रबंधन आपको करना ही पड़ेगा, आपकी अगर सेब है चाहे आपकी फसल नहीं है। और इसके साथ साथ आजकल का जो समय है वो लगभग वॉलनट के आसपास हमारा फ्रूट पहुंच चुका है या उससे थोड़ा ऊपर हो चुका, थोड़ा नीचे भी है। तो आपको HMO 2 लीटर पानी में पूरे बगीचों में स्प्रे करनी है। उससे उसमें आपको पियर में भी कर सकते हैं और अपने सेब में भी कर सकते हैं। उससे हमारी रस्ट माइट, यूरोपियन रेड माइट और 2 स्पॉटेड माइट, वो उनके जो एग्स होंगे वो है चुने से बचेंगे। बहुत सारे फार्मर ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि आप इसके साथ मेडन क्यों डाल रहे। बागवान साथियों, ये डबल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अमूमन मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर बड़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं माइट का की प्रॉब्लम आएगी। तो इससे पहले क्यों ना उसको ने, अगर हम उसके एग्स को ही ना फटने दे, पूरी तरह नहीं मारना है हमने, जितनी भी हम कंट्रोल कर पाए तो इस स्टेज पे आप कर सकते हैं। आगे जब कीड़ा शुरू हो जाएगा ना, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन जब एक बार कीड़ा, क्योंकि लगभग 8 से 9 बार ये एगलिंग करके बच्चे पैदा करती है माइट्स, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए मैंने उसको प्रोटेक्ट। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मजिस्टर क्या हट गया है शेड्यूल से, या बागवान साथियों आपको समझना पड़ेगा, ऐसे कमेंट्स जो लोग करते हैं बेसिकली उन्हें बागवानी से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो कोई घर में करने वाला है, सिर्फ वो लोग सोशल मीडिया पे आके सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो मैजिस्टिक होता है या मजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो किस लिए होता है। वो अडल्ट को मारता, अभी जब अडल्ट है ही नहीं तो हम उसको क्यों डाले। अभी हम एग्स के लिए काम कर रहे हैं, तो जब हमने एग्स मारने तो मेडन, ओबेरॉन, बोर्नियो इस टाइम में लोग डालते हैं, तो ये आपके एग्स के लिए होता है। हाँ, ये जरूर मेरा एक ट्रायल था कि समर ऑयल के साथ मेडन डालने का, तो अभी तो मुझे 2 डेज हुए और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इवन मैंने पियर में भी करा। अगर ये भी ट्रायल बेस है, आप लोग नहीं करना चाहते तो आप मत करें, आप मगर सिंपल HMO जरूर अप्लाई करें। आप जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो हम वक्त के साथ साथ आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। मगर ये बहुत सारे फार्मर डालते थे ये कॉम्बिनेशन,
तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर कर रहा था कि अभी मेरा ट्रायल बेस है मैडन प्लस एचएमओ का, तो ये उपयुक्त समय है एचएमओ डालने का, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो सेंजो स्केल है उसको भी ये अभी कंट्रोल करेगा, और हल्का फुल्का वुलियाफिड को भी ये कंट्रोल करेगा, इसीलिए ये मल्टीपर्पल है। बाद में इसकी स्प्रे होगी नहीं, अभी आजकल बढ़िया समय था और मैंने उसकी स्प्रे कर दी है।